أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام Respected brothers and sisters, Assalamun alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. 21st माह मुबारक रमज़ान आज का वो दिन है कि जिस दिन हमारे मौला आका हमारे सैयद व सरदार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से शहादत हो गई. मुसीबत का दिन है, गिरिया का दिन है, लानतों का दिन है. अल्लाह अमीरुल मोमिनीन के कातिलीन पर, खुसूसन अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम पर बेशुमार लानत करे और उन्हें जहन्नम के आखिरी तबकों में करार फरमाए. उलमा के जानों की इस सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में आज हम जिस आलम दीन की स्टोरी के बारे में जानने जा रहे हैं उनका नाम है शेख अब्दुल करीम हायरी. आज के ज़माने में अगर हम देखें तो दो जगहें सबसे ज़्यादा हौज़े इल्मिया के लिए जो फेमस है वो है नजफ़ अशरफ और कुम. ये दो बड़े मेन सेंटर्स हैं. यकीनन करबला और मशहद और दूसरी जगहों पर भी हौज़े इल्मिया चलते हैं, लेकिन जो दो मेन बड़े मदारिस, जो दो बड़े मेन हौज़े इल्मिया आज दुनिया में मौजूद है वो एक कुम में है, वो एक नजफ़ अशरफ में. नजफ़ अशरफ हमें पता है, हमने स्टोरीज़ में देखा कि शेख तूसी अलैहिर्रहमान ने उसे इस्टेब्लिश किया था. लेकिन जो कुम का हौज़े इल्मिया है उसकी उसे इस्टेब्लिश करने वाले शेख अब्दुल करीम हायरी थे. शेख अब्दुल करीम हायरी की विलादत 1274 हिजरी में हुई थी. इनिशियल ईयर्स में वो जो है नॉर्मल किड की तरह उनको जो है ट्रीट किया गया था, लेकिन जब उनके एक रिलेटिव आए जो एक आलिम दीन थे और शेख अब्दुल करीम हायरी ने उनको देखा तो वो जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए और बहुत ही उन्हें जो है एक इल्म की तरफ एक अटैचमेंट हो गया और वो जो है उनके साथ अदरकान नाम की जगह पर जो है चले गए. उसके बाद धीरे धीरे जो है उनकी जो है ट्रेनिंग चलती रही और वो जो है कई जगहों पर जैसे कि इंक्लूडिंग करबला में हौज़े इल्मिया में पहुँचे, जहाँ पे जो है बड़े आलिम दीन आयतुल्ला फाजिल अर्दकानी जो थे उनके अंडर जो है उन्होंने जो है इस स्टडीज़ को कंटिन्यू किया. आयतुल्ला फाजिल अदरकानी जो थे वो हौज़े इल्मिया करबला के जो है वहाँ के हेड थे. उन्होंने जो है आयतुल्ला अब्दुल करीम हायरी के लिए जो एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखा और इस वजह से उनको जो है मदरसे हसन खान में जो है उनको जो है एडमिशन मिला. कुछ टाइम बाद उनको जो है एक रिकमेंडेशन लेटर आयतुल्ला फाजिल अर्दकानी जो उन्होंने दिया और हौज़े इल्मिया सामर्रा जो मिर्ज़ा बुजुर्ग शिराज़ी चला रहे थे, जिनके बारे में हमने कुछ टाइम पहले जो है पढ़ा था, उनके हौज़े में जो है इनको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया और शेख अब्दुल करीम हायरी जो है सामर्रा में जाकर जो है वो हौज़े में पढ़ रहे थे. 1340 हिजरी में जो है जब ठंडी का मौसम था तब शेख अब्दुल करीम हायरी उनके बड़े बेटे आयतुल्ला मुर्तज़ा हायरी और आयतुल्ला मोहम्मद तकी खंसवरी ये तीनों जो है कुम के शहर में आए वहाँ के लोगों के इनविटेशन पर. और जब वो आए उस दिन का दिन मबअसे नबी का दिन था. उस दिन का दिन लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, रसूलुल्लाह की मेराज का दिन था और इस वजह से जब लोगों को पता चला कि तीन बड़े उलमा इंक्लूडिंग शेख अब्दुल करीम हायरी जो है वो कुम आए हैं तो और जो है वो खुश हो गए और खुशी की तरह जो है उन्होंने जो है पूरे शहर को जो है मबअसे नबी की वजह से जो ऑलरेडी सजा हुआ था और जो उन्होंने वहाँ खुशी मनाई. पहले जो है जब आयतुल्ला अब्दुल करीम हायरी आए तो उन्होंने जो है एक रेसिडेंस लिया और उन्होंने जो है एक दो महीना जो है वो कुम में वो देख रहे थे सिचुएशन की क्या हाल है. तब जो है उसके बाद वहाँ के जो लोकल हाई रैंकिंग उलमा थे जैसे आयतुल्ला बाफकी थे या आयतुल्ला कबीर थे या आयतुल्ला फैज़ थे, वो सब उन्होंने एक डिस्कशन किया और उन्होंने एक डिसाइड किया कि कुम में जो एक हौज़े इल्मिया को जो है स्टार्ट करना ज़रूरी है. ये इसीलिए भी था क्योंकि दूसरी जगहों पर इराक में और दूसरी जगहों पर जो है कई जगह जुल्म हो रहे थे, कई जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसकी वजह से
एक दूसरी जगह पर जो है एक हौज़े इल्मिया की जो है बुनियाद डालनी ज़रूरी थी। और जब तमाम उलमा ने मीटिंग की तो ये डिसाइड किया कि आयतुल्ला अब्दुल करीम हायरी को जो है इस चीज़ की लीडरशिप दी जाए कि एक हौज़े इल्मिया को कुम में जो है वो इंस्टॉल करें। हौज़े इल्मिया कुम में उन्होंने 4 अलग अलग मदरसे जो है शुरू किए, जो आज तक कुछ उलमा कहते वही कायम है, कुछ कहते कि उनके नाम चेंज हो गए, जो भी वट एवर, बट उसकी शुरुआत जो की थी हौज़े इल्मिया कुम की वो शेख अब्दुल करीम हायरी ने की थी। साथ साथ जो ईरान में उस ज़माने में रेज़ा ख़ान पहलवी या रेज़ा शाह पहलवी जो था उसने जो है वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिसमें जो है हिजाब को बैन कर दिया था और कंपलसरी कर दिया था कि मर्द जो है वो वेस्टर्न कपड़े ही पहने, और जो उलमा का था उनके उनके साथ बहुत ज़्यादती होती थी, और यहाँ तक कि मस्जिद गौहरशद में जो है रेज़ा शाह पहलवी ने जब ओपन फायर करवाया था तब जो है शेख अब्दुल करीम हायरी ने एक स्ट्रॉन्ग टेलीग्राम लिखा था, एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा था रेज़ा पहलवी को, और हिजाब बैन पर और ये सब चीज़ पर उसे जो है बहुत तंबीह की थी, और उसे जो है एक स्ट्रॉन्ग उसके अगेंस्ट में एक लेटर लिखा था। आखिरी के दिनों में शेख अब्दुल करीम हायरी ने जो है एक 3 उलमा की पैनल बनाई, आयतुल्ला सैयद मोहम्मद कोहकमरी, आयतुल्ला सैयद मोहम्मद तकी खुनसरी और आयतुल्ला सैयद सदरुद्दीन सदर, और इन तीनों को कहा कि अब आप तीनों की जिम्मेदारी है कि हौज़े इल्मिया कुम को जो है आप आगे बढ़ाएं। आखिर में 1355 हिजरी में शेख अब्दुल करीम हायरी की जो इस दुनिया से रहलत हो गई, और उनकी रहलत के बाद भी जो रिजीम थी, जो अथॉरिटी थी, जो गवर्नमेंट थी, उनको ये नहीं चाहिए था कि एक अपराइजिंग हो या ऐसा कुछ हो, इसीलिए 2 घंटे के अंदर जो है शेख अब्दुल करीम हायरी के फ्यूनरल को कंप्लीट करके लोगों को जो है कहा गया ये यहाँ पर जो आपको जमा नहीं होना है। तो इस तरह जो है शेख अब्दुल करीम हायरी की ज़िंदगी गुजरी। अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले थे, अमीरुल मोमिनीन के फुटस्टेप्स पर चलने वाले थे। खुदा अमीरुल मोमिनीन के जो मुहिब्बान हैं उनको जो है सब्र जमील अता फरमाए। इस शहादत के मौके पर खुसूसन हम अपनी ताज़ियत पेश करते हैं हमारे ज़माने के इमाम की खिदमत में, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह अमीरुल मोमिनीन के वसीले से इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमाएं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए आलम दीन की स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मुहम्मद व आल मुहम्मद सलावात। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.